साथियों, ये लोग, इनकी एक ही पहचान है, महामिलावट। ये महामिलावट है, समाज को भड़काने में जुटे हैं और हम असम की अस्मिता और असम के विकास के लिए डटे हुए हैं। हम निरंतर ये कहते रहे हैं कि घुसपैठियों के लिए असम समेत देश के किसी भी हिस्से में कोई जगह नहीं है। असम को, देश को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए हमने हर बार जनता की आवाज को बुलंद किया है। यही कारण है बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए हमने छिटमहल समझौता किया और अब भारत बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सील करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। जिस एनआरसी को अमल में लाने से पुरानी सरकार बच रही थी, उस पर हमने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई की है। हमारा प्रयास है कि तय समय पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। साथियों, एनआरसी के साथ साथ मैं आप सभी से ये भी कहने आया हूं कि नागरिकता से जुड़े कानून को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। देश को जिन्होंने इतने साल बर्बाद किया, वो अपने हित के लिए ये भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को जानने की जरूरत है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर रहने वाले लोगों को, पार्लियामेंट में हमारा विरोध करने वाले लोगों को जरा ये नजारिया देखिए, असम का मिजाज क्या है, जरा देखोगे तो पता चलेगा। भाइयों बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भाषा, संस्कृति और संसाधनों पर आपके हक की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास है असम एकॉर्ड के क्लॉज 6 को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और इसके लिए हमारी सरकार द्वारा एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है और मुझे विश्वास है ये कमेटी आपके भावनाओं का, आपके हितों का, आपकी आशा आकांक्षाओं का पूरा ख्याल रखते हुए रिपोर्ट करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप ये भी भलीभांति जानते हैं कि जो दल में डूबे हुए दल, महामिलावटी दल आज भ्रम फैलाने में जुटे हैं, उन्होंने 30-35 साल तक असम एकॉर्ड को लागू करने में कभी ईमानदारी नहीं दिखाई। आप मुझे बताइए, 36 साल हो गए, असम एकॉर्ड लागू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इन लोगों ने असम के साथ अन्याय किया है कि नहीं किया है? और जो लोग आज अपने निजी स्वार्थ के लिए उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनका भी
स्वार्थ को खुला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, 36 साल पुरानी मांग आपकी अगर कोई पूरी करेगा तो मोदी सरकार करेगी। और जो लोग हमें सवाल पूछते हैं, असम की जनता उनको सवाल पूछती है, 36 साल तक कहां खो गए थे, कहां सो गए थे। असम के लोगों की भावनाओं पर खेलने का खेल बंद कीजिए। भाइयों बहनों, हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए मेरे असम को बर्बाद नहीं होने दूंगा। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने जिस प्रकार से आज असम को चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है, ऐसे वोट बैंक की राजनीति करने वालों से मैं ये लड़ाई लेने के लिए निकला हूं। भाइयों बहनों, ये लोहा लेने के लिए निकला हूं। पहले देश बचना चाहिए, देश की एकता बचनी चाहिए, हमारा असम बचना चाहिए।